हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयुष काउंसलिंग के बारे में, डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से हो या फिर छत्तीसगढ़ स्टेट से बाहर से हो, कोई भी स्टेट से हो जो ऑल इंडिया कोटा में छत्तीसगढ़ की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ के वो स्टूडेंट जो यहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कंप्लीट बात करेंगे। कैसे आपका काउंसलिंग होता है, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही टाइम में अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। बात करें पिछले साल जो काउंसलिंग बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था, पिछले बार दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर में 1 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में जो स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए काउंसलिंग ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट खुला था, और 15 दिसंबर से आपका शायद 21 दिसंबर तक आपका ऑल इंडिया कोटा का फॉर्म भरने का डेट था, जिसमें सभी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और उसके बेसिस में काउंसलिंग हुआ। लेकिन पिछले बार बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था। अगर हम पिछले साल का जो काउंसलिंग हुआ है उसको देखेंगे तो आज से 7 महीना बाद आपका काउंसलिंग हुआ है, जो कि इस बार इतना लेट नहीं होगा क्योंकि पिछले बार रिजर्वेशन पॉलिसी था, इसी वजह से लेट हो गया था। पूरे देश में काउंसलिंग लेट हुआ था, सिर्फ छत्तीसगढ़ में हुआ था, ऐसा नहीं है। जो बच्चे छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल खुलती है जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है काउंसलिंग के लिए। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट करें चाहे स्टेट्स पार्टिसिपेट करें, दोनों के लिए अलग अलग पोर्टल खुलती है। स्टेट के जो बच्चे हैं वो अपना फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलते हैं जिसको, ऑल इंडिया कोटा के जो बच्चे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। काउंसलिंग में जो अलॉटमेंट लेटर है, ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट हैं उनका ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर आ जाती है, और स्टेट के जो बच्चे उनको ऑन कैंपस जाके काउंसलिंग करवाना होता है। इसमें अगर हम कटअप की बात करें तो जो पुराने वीडियो है उसमें मैं कटअप के बारे में बताया हूं। तो अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपका मार्क्स क्वालिफाइड मार्क्स से ज्यादा है तो आप कौन कौन सा स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, कितने कितने नंबर में आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, सारा इन्फॉर्मेशन हमारे टीम के द्वारा दिया जाता है। हमारे यहाँ से पेड काउंसलिंग होता है। अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो हमारे कंसल्टेंसी से आप अप्लाई कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आपको बता दिया जाएगा कि आपका इतना मार्क्स है, आपका ये बजट है, तो आपका मार्क्स और आपके बजट के हिसाब से पूरे इंडिया में, या फिर छत्तीसगढ़ में बोल लो, या फिर एमपी में बोल लो, या फिर यूपी में बोल लो, आपके मार्क्स के और आपके नीट स्कोर के बेसिस में आपको कॉलेज दिलाने का प्रयास करेंगे, और कॉलेज आपको बिल्कुल मिलेगा। अगर आपका क्वालिफाइड मार्क्स है तो कहीं ना कहीं आपके लिए कॉलेज हम लोग ढूंढ के लाएंगे। जितने भी काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन, सीट मैट्रिक से रिलेटेड नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन है वो आपका छत्तीसगढ़ आयुष की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, जीएससी रायपुर की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, जीएससी बिलासपुर की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। तो आप वेबसाइट में जाके विजिट करके भी वहां से कोई भी नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप कॉलेज देख रहे हो तो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में आप आ जाइए, क्योंकि हर एक चीज का हम लोग वीडियो नहीं बना सकते, हर एक चीज को हम लोग बता नहीं सकते यहां से। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होते हो तो वहां कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो वहां पीडीएफ को वहां ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, डाउट होता है कुछ भी, अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।